हज करवा साउदी अरब जता मुस्लिम बिरादरोने त्यां कई रीते इबादत करी ते अंगे छेल्ला 27 वर्षथी कैम्पनुं आयोजन करता अल मक्तबुल मदीना ट्रस्ट द्वारा आ वखते पण आयोजन कर्युं छे, जेमां अनेक महानुभावो उपस्थित रही तो आ कैम्पमां आवनार हाजीओने माहितगार कराया हता। सूरत सहित देश अने दुनियानी दर वर्षे हजारों लाखों लोको हज करवा साउदी अरबना पवित्र शहर मक्का अने मदीना खाते जाय छे। जो के त्यां जता पहेला त्यां शुं करवुं अने हज दरमियान कई कई वातनुं ध्यान राखवुं ते अंगे हाजीओने माहिती न होय, जेथी तेओने हज दरमियान करवामां आवती इबादत सहित त्यां शुं तकेदारी राखवी ते अंगे छेल्ला 17 वर्षथी अल मक्तबुल मदीना ट्रस्टना हज कैम्पनुं आयोजन कराय छे। त्यारे आ वखते पण अल मक्तबुल मदीना ट्रस्ट द्वारा गुजरात राज्य हज समिति ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेर ट्रस्टना सहयोगथी हज कैम्पनुं आयोजन कराय हतुं। गुजरात राज्य हज कमेटी गांधीनगर और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेर ट्रस्ट की जानिब से सूरत जिले के 1080 हाजियों का ट्रेनिंग कैंप दिवाड़ी बाग अडाजन पाटिया पे रखा गया है। क्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यानी लोग हर साल जो हज के लिए मक्का और मदीना जाते हैं गुजरात राज्य हज कमेटी से, तो उनका ट्रेनिंग कैंप होता है कि वहाँ जाके आपको क्या क्या करना है, किस तरह इस्लामी अरकान अदा करने और सरकारी गाइडलाइन है कि जो सरकार के जो हुक्म होते हैं उस तरह किस तरह वहाँ अदा करना है। आज हमारे यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर में चेयरमैन ऑफ गुजरात हजीय समिति जनाब इकबाल भाई सैयद, सचिव श्री गुजरात जनाब IM गाची साहब और सेक्शन अधिकारी जनाब MG बालोलिया साहब तशरीफ लाएंगे। टोटल 1080 हाजी हैं गुजरात राज्य हज कमेटी के, और टूर से तो 1500 लोग और जाते होंगे, उसमें से भी 500 हाजी यहाँ आएंगे। इनको पूरा तरीका दिखाया जाएगा वहाँ जाने का, इस्लामी अरकान किस तरह अदा करने के, और एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो उसके रेगुलेशन रूल रेगुलेशन क्या होते हैं वो सिखाया जाएगा। दोपहर में हाजी साहिबान का खाना है, चाय पानी का इंतजाम है। इस तरह ये हम ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट और हमारा मक्तबतुल मदीना मुसलसल 28 साल से हाजियों की खिदमत कर रहा है। सूरत ना अडाजन पाटिया खाते आवेला दिवाली बाग कम्युनिटी हॉल में हज कैम्प योजाया तो जेमा हाजियों ने माहिती आपवामां आवी हती। ब्यूरो रिपोर्ट, NTV न्यूज़ सूरत।